नाग पंचमी के शुभ अवसर पर गोरखनाथ मंदिर एवं जिला कुश्ती संघ गोरखपुर के संयुक्त तत्वाधान में गोरखपुर केशरी, गोरखपुर कुमार एवं वीर अभिमन्यु खिताब कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन 4 एवं 5 अगस्त को गोरखनाथ मंदिर परिसर में किया जाएगा, जिसका शुभारंभ दोपहर 1 बजे से होगा। इसके संबंध में जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष एवं प्रतियोगिता के संयोजक दिनेश सिंह ने बताया कि गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज के निर्देशन में नाग पंचमी के शुभ अवसर पर परंपरागत रूप से गोरखनाथ मंदिर परिसर में प्रतिवर्ष होने वाली इस प्रतियोगिता में गोरखपुर केशरी, गोरखपुर कुमार एवं वीर अभिमन्यु खिताब के लिए पहलवान अपने भार वर्ग के अनुसार प्रतियोगिता में भाग लेंगे। वीर अभिमन्यु के लिए 50 किलोग्राम से 57 किलोग्राम के बीच पहलवान प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। वीर अभिमन्यु के विजय पहलवान को 5,100 नगद, साथ में गदा का पुरस्कार तथा उपविजेता को 2,500 नगद इनाम दिया जाएगा। इसी प्रकार गोरखपुर कुमार के लिए 57 किलोग्राम से 70 किलोग्राम के बीच पहलवान प्रतियोगिता के लिए प्रतिभाग करेंगे और गोरखपुर कुमार के विजयी पहलवान को 11,000 रुपये नकद और गदा के साथ पुरस्कृत किया जाएगा तथा उपविजेता को 5,100 रुपये नकद दिए जाएंगे और गोरखपुर केशरी के लिए 70 किलोग्राम से ऊपर के पहलवान प्रतियोगिता के लिए प्रतिभाग करेंगे। प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाले प्रतिभागी को 21,000 रुपये नकद एवं एक गदा इनाम स्वरूप दी जाएगी तथा उपविजेता को 11,000 रुपये नकद इनाम दिया जाएगा। सभी विजयी पहलवानों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज की तरफ से प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कुश्ती प्रतियोगिता के संयोजक व जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष दिनेश सिंह ने कहा, पेपर में निकलवा दिया। बताइए सर, क्या कार्यक्रम है यहाँ गोरखनाथ मंदिर परिसर में? परंपरागत रूप में नाग पंचमी के शुभ अवसर पर कुश्ती का आयोजन होता है। विगत 10-12 वर्षों से यहाँ पर गोरखपुर केसरी, गोरखपुर कुमार और वीर अभिमन्यु का खिताब दिया जाता है विजयी पहलवानों को। इसके लिए 3 वजन अलग अलग किया गया है, 52 किलो से 57 किलो वजन के बीच ये गोरखपुर वीर अभिमन्यु का खिताब दिया जाएगा और 57 किलो से 70 किलो वजन तक गोरखपुर कुमार का खिताब दिया जाएगा और 70 किलो से ऊपर के जो पहलवान होंगे उनको गोरखपुर केसरी का खिताब दिया जाएगा। कब होना है ये कार्यक्रम? ये 4 और 5 अगस्त को यहाँ पर आयोजित है, जिसकी तैयारी, भव्य तैयारी यहाँ चल रही है। यहाँ अखाड़े के लिए और मंच वगैरह सारा बन रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो गोरख पीठाधीश्वर हैं, उनके आने की भी संभावना है, वो आकर सारा निर्देश देकर जा चुके हैं एक बार और फिर ये 5 तारीख को यहाँ पर पुरस्कार देने आएंगे। इस वर्ष गोरखपुर केसरी को 21,000 रुपये गदा के साथ इनाम दिया जाएगा और जो रनर अप होगा उसको 11,000 रुपये, जो गोरखपुर कुमार होगा उसे 11,000 का इनाम गदा के साथ और जो रनर अप होगा उसको 5,100 रुपया।